स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा, हरिद्वार को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। 30 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण, 4,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। एलिवेटेड फ्लाईओवर और चमोली रुद्रप्रयाग में होगा चौड़ीकरण। कार्यक्रम में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री होंगे इसमें शामिल। तो 30 राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात जो है देने जा रहे हैं और 4,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान होगा और उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हरिद्वार दौरा है और उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का हरिद्वार दौरा है और इस दौरान जो है कई विकास परियोजनाओं की सौगात जो है मंत्री देने वाले हैं। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हरिद्वार दौरा है और हरिद्वार को विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं और 30 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का भी लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा और 4,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हरिद्वार दौरा है और हरिद्वार को कई सौगात जो है मंत्री देने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 4,750 करोड़ की योजनाओं की सौगात मंत्री देने जा रहे हैं हरिद्वार को और इस दौरान जो है 30 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और उनके साथ जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, नितिन गडकरी का हरिद्वार दौरा है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज उत्तराखंड का दौरा है जिसमें उनकी तरफ से उत्तराखंड राज्य में जो विभिन्न परियोजनाएं 30 से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण उनके तरफ से यहां पर किया जाएगा। ये परियोजनाएं गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों ही जगहों पर इन परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और भूमि पूजन होगा। पहले टनकपुर में कार्यक्रम है, यानी अब से कुछ देर बाद जो टनकपुर का मैदान है वहां पर ये कार्यक्रम शुरू होगा जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में होंगे और लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात वहां पर दी जाएगी, जिसमें विभिन्न ये कह सकते हैं कि विभिन्न जगहों की जो सड़कें हैं, खासतौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो जो सड़कें वहां पर बन रही उनके चौड़ीकरण का वो उनकी सौगात वहां पर दी जाएगी। इसके बाद दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि हरिद्वार में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हरिद्वार में होगा जहां पर 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वहां पर किया जाएगा। साथ ही जो देवीधुरा का जो फ्लाईओवर, एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री की तरफ से यहां पर हरिद्वार में किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य को लगातार एक के बाद एक सौगातें केंद्र की तरफ से मिल रही है और जो डबल इंजन की सरकार का असर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो और तेज यहां पर हो सके, राज्य की जनता को इन विकास की परियोजनाओं का लाभ यहां पर मिल सके। और आज ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक जब केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में आ रहे हैं, अपने दौरे उनके उत्तराखंड में चल रहे हैं, तो विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है जो राज्य के लिए बड़ी सौगात के रूप में कही जा सकती है। जी, अब है 30 राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात जो है मंत्री इस दौरान देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विकास की जो गति है उसे धार देने की पूरी कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल, इसे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं ये हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण है, या फिर जो फ्लाई ओवर्स या पुल जो बनने हैं, जो एनएच पे बनेंगे, उनकी सौगात यहाँ पर राज्य को मिलेगी। कोशिश ये है कि उत्तराखंड राज्य में जो सड़कों का जो जाल है और मजबूत यहाँ पर हो सके, राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चौड़ीकरण है, विस्तार है, वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि उत्तराखंड राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, और उत्तराखंड में जो आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु और सैलानियों के जो आने का जो सिलसिला और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ सके, उसके लिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ये समझा जा सकता है कि जो डबल इंजन की सरकार का असर है वो अभी यहाँ पर दिखने लगा है, क्योंकि ऐसे में समझा जा सकता है कि जब चुनाव की बयान शुरू हो रही है तो ये सौगातें मिलना लाजमी है, और अभी से ही उनकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, तो ये राज्य की जनता के लिए बड़ा इस समय खुशगवारी क्षण यहाँ पर कह सकते हैं कि एक के बाद एक सौगातें राज्य को मिल रही है और जो विकास की रफ्तार वो तेज होती नजर आ रही है। जी जी, कब से उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा, और बताया जा रहा है कि सीएम के अलावा, सीएम जो है खुद ही इसमें शामिल होंगे, उनके अलावा और कौन कौन से नेता इस दौरान मौजूद रह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, अब से कुछ देर पहले ही यहाँ उत्तराखंड में पहुंचे हैं। पहले जौलीगंठ एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका वहां पर स्वागत किया, और उसके बाद सीधे अब टनकपुर वो उनके जाने का कार्यक्रम है। कुछ देर में कह सकते हैं कि लगभग 12:15 का वो समय यहां पर होगा जब ये कार्यक्रम वहां पर होगा। लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो वहां पर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कोशिश यही है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की जनता को विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो यहाँ पर दी जा सके। और ये कहा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल में इस समय जिस प्रकार से विकास के काम इस समय चल रहे हैं वो सीधे तौर पर दोनों ही राज्य के लिए बड़ा लाभकारी उन परियोजनाओं को यहाँ पर समझा जा सकता है, जिसका आने वाले समय में राज्य की जनता को भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। जी जी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं का लाभ जहाँ जनता को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसका असर ये कह सकते हैं कि इन परियोजनाओं के लाभ के जरिए बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार यहाँ पर लाभ उठाने की कोशिश यहाँ पर करेगी, क्योंकि अभी जनता की जो मांग है वो विकास के परियोजनाओं को और बढ़ाने की है, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो सके, उन विकास की योजनाओं का लाभ जनता को यहाँ पर मिल सके, और सरकार इसे उपलब्धियों के रूप में भी इसे देख रही है, ताकि आने वाले समय में चुनाव के दौरान इन उपलब्धियों को जनता के सामने रख सके, पुनः वापस जनता का भरोसा जीतने में यहाँ पर कामयाब हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले जो विकास के जो काम है उन विकास के कामों की परियोजनाओं की सौगात राज्य को मिल रही है, और जनता में एक कह सकते हैं कि सरकार के प्रति जो आभार, और जनता सरकार का आभार भी यहां पर प्रकट कर रही है। जी जी, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक से नगर निगम वसूलेगा 2,44,00,000 रुपए, और नगर निगम हल्द्वानी ने मलिक को भेजा नोटिस। 3 दिन का दिया गया समय, संपत्ति कुर्क करने की भी हो रही तैयारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 15 फरवरी तक मलिक को जमा करना होगा वसूली की राशि। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, नगर निगम हल्द्वानी की ओर से मलिक को नोटिस भेजा गया। हल्द्वानी हिंसा का मामला बताया जा रहा है, जब 3 दिन का नोटिस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिया गया है, और 15 फरवरी तक का जो है तारीख है, और इस दौरान जो है उसे 2,44,00,000 रुपए जो है वो राशि जमा करनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया है, और अब जो है 2,44,00,000 रुपए की वसूली की जाएगी। तो ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं, और अब जो है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से नोटिस दे दिया गया है, जब वसूली की राशि 2,44,00,000 रुपए की जो है जमा करने के लिए बोला गया है। और एक बार फिर से अब है हमारे साथ जुड़ गए हैं अब जो है अब्दुल मलिक को नगर निगम जो है नोटिस दे चुकी है, और अब उनसे जो है वसूली की राशि भेजने के लिए नोटिस दिया गया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हल्द्वानी हिंसा का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ जो शिकंजा है और कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की टीमें जहां उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर दबिशें दे रही है,
12 अलग अलग टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है, जो अब्दुल मलिक की तलाश में या इस हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी तलाश में यहाँ पर जुटी हुई है, उनकी गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन ने भी अब्दुल मलिक के खिलाफ जो अपना शिकंजा है वो और कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से 2,44,00,000 रुपए का एक नोटिस आरोपी अब्दुल मलिक को यहाँ पर भेजा गया। जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो 2,44,00,000 का उनका नगर निगम की संपत्ति का नुकसान यहाँ पर हुआ और उसको नगर निगम के द्वारा वसूलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 15 फरवरी तक का समय अब्दुल मलिक को दिया गया, अगर वो इस दौरान इस पैसे को जमा करा देते हैं तो फिर उस नुकसान की भरपाई से वो यहाँ पर बच जाएंगे, अगर जमा नहीं कराते हैं तो फिर नगर निगम की तरफ से जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी कोशिश यही है इस समय नगर निगम या पुलिस प्रशासन की कि जो आरोपी है हल्द्वानी हिंसा का जो ये आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके और जो शांति व्यवस्था वहाँ पर भंग हुई है उस शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से वहाँ पर बरकरार रखा जा सके, क्योंकि अभी तक का यह प्रयास कहा जा सकता है कि जिस तरीके की हिंसा हल्द्वानी में घटी है वो उत्तराखंड के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाली हिंसा कही जा सकती है और उसके लिए जो भी लोग दोषी हैं चाहे अब्दुल मलिक हो या उसके जो सहयोगी लोग हैं अगर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा बयान दिया कि जहां पर ये अवैध मदरसा बनाए गए थे यानी जो अवैध जो कब्जा इस जमीन पर हुआ था वहां पर अब ये कह सकते हैं कि पुलिस थाना बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जब तक पुलिस थाना संचालित नहीं हो पाता तब तक वहां पर पुलिस चौकी रहेगी यानी पुलिस की बाकायदा टीम वहां पर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में कोई दंगा या हिंसा ना आगे आने वाले समय में भड़क पाए, लोग भ्रमित ना हो उसके लिए लगातार वहां पर जागरूकता प्रयास किया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार से इस तरह के बहकावों में वहां पर ना आए, ऐसी बातों के बहकावों में ना आए जो हल्द्वानी की हिंसा या उत्तराखंड के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। तो प्रशासन की कोशिश है, अब देखना यह होगा कि आरोपी अब्दुल मलिक की तरफ आरोपी अब्दुल मलिक को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और क्या वो नगर निगम के इस नोटिस का जवाब वहां पर दे पाते हैं, नहीं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो विधि संबद्ध जो कार्रवाई होगी अगर 15 फरवरी तक का जो समय दिया गया उस दौरान अगर आरोपी अब्दुल मलिक को पैसा जमा नहीं कराता है 2,44,00,000 रुपए तो फिर आने वाले दिनों यानी 16 फरवरी से जो उनकी संपत्ति होगी उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई वहां पर की जाएगी ताकि नगर निगम का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई उस संपत्ति के माध्यम से वहां पर की जा सके। जी अब है ये तो हो गई कि चलो नगर निगम की जो चीज़ें बर्बाद हुई है जो उनकी संपत्ति बर्बाद हुई है उनके लिए इतनी वसूली की जा रही है, लेकिन जो आम जनता है जिनको इसमें हानि पहुंचे जिनका नुकसान हुआ उनके भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी ये कही जा सकती है कि इस पूरे हिंसात्मक घटना में जो गाड़ियां वहां पर जली है जो लोगों का जो नुकसान हुआ है आम लोगों का जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई के लिए भी लगातार प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर आकलन कर रही है। जो गाड़ियां वहां पर जलाई गई है आम लोगों की जो गाड़ियां वहां पर जलाई गई है उन गाड़ियों के चेजेस नंबर वहां पर निकाले जा रहे हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन थे उस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने का काम इस समय पहले वहां पर किया जा रहा है ताकि अग्रिम जो कार्रवाई है वो उसके बाद वहां पर प्रारंभ की जा सके। तो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है लेकिन जो नुकसान हुआ है सबसे बड़ा नुकसान ये इस रूप में समझा जा सकता है कि लोगों की जो भावनाएं आहत हुई है जो उनका सार्वजनिक रूप से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी, लेकिन लोगों से पहले अपील यही की जा रही है कि वो कम से कम उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश उन निर्देशों का पालन वहां पर करें ताकि किसी भी प्रकार से और वहां पर कोई हिंसा ना भड़क पाए या किसी प्रकार के ऐसे बयानबाजी के माहौल चलते वहां पर कोई जो सौहार्दपूर्ण माहौल वो बिगड़ने ना पाए। तो ये कह सकते हैं कि लोगों से अपील भी की जा रही है, प्रशासन की टीमें भी लगातार वहां पर गश्ती कर रही है, लेकिन अभी भी संभावना यही है कि अगर सुरक्षा में कोई ढील वहां पर बरती जाती है तो कहीं फिर ऐसा ना हो कि फिर से हिंसात्मक वहां पर घटना बढ़ सके, इसलिए चौकसी वहां पर अभी भी निरंतर जारी है और जो गश्त है वो पुलिस की जो चौकसी गश्त है वो वहां पर और बढ़ा दी गई है। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नंदा की चौकी स्थित द टोन्स ब्रिज स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सेनानियों की भूमि है, उन्होंने कहा कि यह राज्य मेरे हृदय के बेहद करीब है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है।
तो ये तस्वीरें हम कार्यक्रम के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस दौरान जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसील स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने तहसील में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित करते हुए स्वीप एक्टिविटी कराते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के आदेश भी दिए। हमारे यहाँ से जो आज अभी जैसे आज मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शन यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएँ और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है, स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चल रही हैं, सभी एस डी एम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ स्वीप में होंगी। और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन अल्मोड़ा बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए रैली भी निकाली। रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। जहां तक पुरानी पेंशन का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से इस सारे विषयों का संज्ञान लिए हुए है और आने वाले भविष्य में सरकार इस पर निर्णय लेगी। सभी कर्मचारी नेताओं को, आंदोलनकारियों को राज्य हित में, राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उन सब की चिंताओं को जानते हैं और समय आने पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, 18,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण, नए कानून का दिया जाएगा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मॉड्यूल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, 3 नए कानूनों का होगा प्रशिक्षण, IEBL, ICDC, UC कानूनों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नए कानून का प्रशिक्षण दिया जाएगा और IEBL, ICDC, IGC कानूनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वहीं खबर देहरादून से है, जहां राज्यसभा उम्मीदवार बनने की घोषणा के बाद राजधानी पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने उच्च सदन में जाने का अवसर प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा, यह मेरा ही नहीं बल्कि राज्य के लाखों कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वहीं आम जनता ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भट्ट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी बनाए जाने पर जश्न भी मनाया। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और साथ ही उन्होंने बताया कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों को अब टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे।
और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 13 तारीख को उत्तराखंड के जो हायर जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फबारी भी मिल सकती है। बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा जो है और मौसम शुष्क रहेगा उत्तराखंड। और देहरादून से हम जानकारी सामने आ रही, खतरे की जद में आई 13 झीलें, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, झीलों के फैलाव से बढ़ रहा खतरा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खतरे को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई झीलों की निगरानी और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही, झीलों के फैलाव से खतरा जो है वो बढ़ रहा है और खतरे को देखते हुए सरकार ने झीलों की निगरानी बढ़ा दी है। तो झीलों के फैलाव से खतरा बढ़ रहा है और बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, खतरे को देखते हुए सरकार ने झीलों की निगरानी बढ़ा दी है। और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां तेजम तहसील के ग्राम सभा तेजम में तैनात राजस्व उप निरीक्षक मनीष भट्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि रविवार को जब उप निरीक्षक मनीष भट्ट ने दरवाजा नहीं खोला तो राजस्व कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा, जहां राजस्व उप निरीक्षक मृत अवस्था में मिले। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अम्बिराम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर में एक मासूम बच्चे का शव बहता हुआ दिखा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मोनू जलवीर ने मासूम बच्चे को शव नहर से बाहर निकाला। तभी मोनू जलवीर ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मासूम बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे दो तीन जनों ने फोन करा, उन्होंने एक बच्चा आ रहा है बेहता हुआ और किनारे किनारे आ रहा, ये मेवड़िया कलियर की तरफ से ही आया। मैंने यहाँ शेर के पुल के पास से निकाला थे, फिर मैंने इसे थाने फ़ोन कराया, थाने पुलिस वाला है, आप ले आ रहे हैं सरकारी अस्पताल। क्या बच्चे की मौत हो गई? बच्चा मर गया है। कितने साल का, कितने महीने का बच्चा है? ये 3-4 महीने का बच्चा ही है, छोटा था। पता नहीं किसका बच्चा, कुछ नहीं पता चला अभी तक। तो पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की? पुलिस आ गई है, अब ले जा रही है सरकारी अस्पताल, बाकी देखते हैं कुछ चलता है पता है घर वाले। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।